हाँ जी सत श्री अकाल जी, मेरा नाम सुमित खन्ना, मैं होम ग्लोबल तो विजिटर वीज़ा नू लै के अज दी ये वीडियो है। कहिंदे बहुत र्यूमर है ऑस्ट्रेलिया ने विजिटर वीज़ा बंद करते। ऑस्ट्रेलिया दे विच उस इंडिया तो स्पेशली कहिंदे विजिटर वीज़ा ग्रांट नहीं हो रहे। अज तुहाडे नाल कुछ वो विजिटर वीज़ा ग्रांट कॉपी शेयर करांगे जिहड़े रीसेंटली इसे मंथ दे विच सितंबर दे विच ग्रांट होए। अलग अलग कैटेगरीज दे विच ते अलग अलग डिफरेंट तरह की प्रोफाइल्स है जिन्हां दे विजिटर वीज़ा ग्रांट होए। पहला वीज़ा ग्रांट है जी अजय का, इन्हों का फैमिली स्पॉन्सर्ड दे विच वीज़ा ग्रांट होया। नो फर्दर स्टे की कंडीशन है, बट 3 बार ऑस्ट्रेलिया तो रिफ्यूज सके। इन्हों के स्पाउज इन्हों के जेडे वाइफ ने इतने परमानेंट रेजिडेंट ने, 3 बार रिफ्यूजल तो बाद चौथी बार इन्हों का वीज़ा ग्रांट होया। अगला वीज़ा ग्रांट है जी जतेंद्र का, साल का वीज़ा है, मल्टीपल एंट्रीज है, 24 साल उम्र है इन्हों की, कोई सबसटेंशियल ट्रैवल हिस्टरी नहीं सी, बट मल्टीपल एंट्रीज वाला वीज़ा, तो कोई फर्दर नो फर्दर स्टे कंडीशन नहीं, इदा की कोई कंडीशन नहीं इन्हों के वीज़ा से, एक्सैप्ट स्टडी वाली बेसिक कंडीशन लैके। नैक्सट वीज़ा ग्रांट है जी अंडर 18 एप्लीकेंट का, 10th पास आउट ने, इन्हों की सिस्टर इतने 485 वीज़ा पर ने, इन्हों का 3 साल का वीज़ा ग्रांट होया विद मल्टीपल एंट्रीज। अंडर 18 वाले के असी वीज़े रीसेंटली बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किए इस करके, बिकॉज बहुत वधिया सक्सैस रेट इन्हों की एप्लीकेशन लैके। नैक्सट वीज़ा ग्रांट है जी 2 पेरेंट्स का, 2 बार रिफ्यूज ने ऑस्ट्रेलिया तो, इन्हों का सन इन्हों का बच्चा मुंडा इतने स्टूडेंट वीज़ा पर है, फिर भी 2 बार रिफ्यूज ने। क्यों रिफ्यूज हो सकता, नॉट प्रॉपर रिप्रजेंटेशन या खरे तरीके ना नहीं फाइल लगी, या वो चीज़ा जो डिपार्टमेंट देखता नहीं वो लगाई गई, इन्हें की डिफरेंट स्ट्रैटेजी की। असी मदर का पहला वीज़ा अप्लाई किया जो उन्हों का ग्रांट आई 3 साल की, वो तो बाद फादर का, उस तो बाद वीज़ा अप्लाई किया। हूँ दोनों के कोल 3 साल का मल्टीपल वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया का, तो जो भी आते 3 महीने तक रह सकते। ये तो अलावा जी एक होर बहुत कॉमन वीज़ा जिहड़ा साढ़े लिए अजकल बनया हुआ न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा, साल का वीज़ा, मल्टीपल एंट्रीज, 6 महीने का स्टे। वो एप्लीकेंट है जिहड़े फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा लैके ऑस्ट्रेलिया आए थे, तो ऑस्ट्रेलिया तो इन्हों का फिर न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई किया गया, 10 दिनों के आउटकम आया। अनदर वीज़ा जी कैनेडा का वीज़ा आफ्टर 2 रिफ्यूजल्स, इस एप्लीकेंट की स्टूडेंट वीज़ा की तो विजिटर वीज़ा की प्रीवियसली रिफ्यूजल से 485 से सी ऑस्ट्रेलिया के, इन्हों का कैनेडा का वीज़ा है। वेरी कॉमन वीज़ा फॉर अस USA का, मल्टीपल एंट्री वीज़ा तो मोस्ट इन डिमांड वीज़ा, जिदे अहम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यह है थोड़ी इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू की तैयारी थोड़ा होम ग्लोबल कराता है, एंड वी हैव हैंडल हंड्रड्स ऑफ केसिस फॉर USA विजिटर वीज़ा। तुसी किसी भी कंट्री चो या किसी भी कंट्री ट्रैवल करना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा किन्नू मिलता है, स्पैशली उन्होंने 5 कंट्रीज के जड़ा दे सॉर्ट ऑफ सिमिलर माइग्रेशन लॉ ने, जिन्हों कह सकते हो तुसी ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, UK, US ते कैनेडा, न्यूजीलैंड, जो इन्हां विच तुहाडे कोई कंट्री का वीज़ा फिर दूजी कंट्री का लैना कितने ना कि थोड़ा जिहा सौखा हो जाता, बट उहदे विच भी अहम चीज़ है कि तुसी अपनी एक जेन्यून विजिटर की प्रोफाइल डिपार्टमेंट नूं दिखानी है, काउंसलेट नूं दिखानी है, ताकि वह डॉक्यूमेंटेशन तो बाद तुहानूं वीज़ा देण। इहदे लई बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर रिप्रजेंटेशन की, एक एक्सपीरियंसड माइग्रेशन एजेंट की, जिहड़ा तुहानूं इस फाइल प्रिपरेशन दे विच या डॉक्यूमेंटेशन दे विच मदद कर सकदा। तुसी किसी भी कंट्री का विजिटर वीज़ा या ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई करना चाहते हो, अपने किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड लई सानूं एक बार जरूर कॉन्टैक्ट करो। धन्यवाद।